I can't see anything, man. Ram Ram, Krishna. ऑक्सीजन बहुत ही कम है यार, कैसे जाएंगे मैन? ओ माय गॉड, कृष्णा प्रभु, लोइसा तुमी उश যে ভাবিছিল আজি যে মই মিলিয়া বিলো বে ইয়াত পৰি থাকিলো কোনো বিষয় নাপায়। মৰ্নিং গাইজ, হম লোক রংলি সে নিকলনে কে লিয়ে অলমোস্ট রেডি হো চুকে হ্যায়। আবি বজে 4:15 এন্ড ইয়ে হম লোগোনে বাইক পুরা স্টার্ট করে রাখ দিয়া হ্যায়। হম লোগ কা হোটেল ও ওয়াহাঁ পে হ্যায়, লেকিন বাইক আপকো ইধার পার্ক করনা হোগা, কোই অপশন নাহি হ্যায়। दोनों बाइक बिल्कुल सेफ है, इतना ज़्यादा ठंड नहीं ना यहाँ पे, अभी 10 to 15 डिग्री से है, ज़्यादा नहीं है। रोंगली से गुवाहाटी जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन, आप रोंगपू होके गुवाहाटी जा सकते हो, जहाँ से हम लोगों ने सिक्किम एंट्री किया था। एंड दूसरा ऑप्शन, आप ऋषि लावा होके आप माल बाजार निकल सकते हो। जितने भी लोग यहाँ से आसाम के लिए निकलते हैं ना, वो सभी लोग रोंगपू वाले रोड से ही जाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने सोचा हम ही ऋषि वाले रोड को एक्सप्लोर कर लेते हैं, देखते हैं कैसा रोड कंडीशन होता है। तो चलिए सिक्किम का ये फाइनल एपिसोड आप इंजॉय करिए। आई होप ये रास्ता सही निकले, बहुत एक छोटा सा रास्ता दिख रहा है। रास्ता तो है लेकिन खराब है रास्ता, इधर से सीधे जाकर उसे बंगाल ऐसे ऐसे जाएगा। रोड कैसा है? रोड ऐसा है ना, ठीक है, थैंक यू। सिक्किम से निकल सकते हैं ना? आगे 10-15 मिनट लगेगा, 10 मिनट। हाँ, उसके बाद बॉर्डर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद बंगाल पार हो जाएगा। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। इधर से पड़ेगा। हाँ, लेकिन इधर से निकल सकते हैं? थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। धान खेती पीछे का टायर का प्रेशर 60 भाल फुटी नगल दे तुझे हंगारिक रास्ता को दे भयंकर रास्ता को टर्निंग बुरी किसान है इधर से लोग जाता है कि नहीं माल बता आशीष जी का पहला टायर का जो प्रेशर हुआ एयर प्रेशर 70 इतने घने जंगलों के बीच में से हम लोग कब से राइड कर रहे हैं यार। हम तीनों के अलावा यहाँ पे हम लोग को कोई भी नहीं दिख रहा है। अभी हम लोग का नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाला लावा, वहाँ तक पहुँचने के लिए 1 घंटा लगेगा। देन हम लोग को निकलना होगा माल बाजार। ये बहुत ही खतरनाक वाला रास्ता है यार, आई होप यहाँ से हम लोग जल्दी से जल्दी सही सलामत बाहर निकल जाए। माल बाजार निकलना है? हाँ, कौन सा रास्ता अच्छा मिलेगा? थोड़ा ये तो खराब है, इधर से जाओ। अच्छा अच्छा, माल बाजार निकल जाएगा ना, ठीक है, थैंक यू। ओ माँ, ओ ओ ओ रास्ता बड़ा रिक्शी दे बहुत रिस्की रास्ता। ओ राम 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 राम।
अरे लहर है भाग गए लागे बहुत खराब है নপরে হ্যাঁ লাগে রে রবা 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 লাগে লাগে রবা যাব 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 মা কসম্বি রে রে দিবলে হয় আরে কৃষ্ণ 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 লাগে দিছো রে আহিব এটা আহিব এটা আহিব ও মা কসম্বি মরি যাম এটা সাগে কি রাস্তা বেটু রাম 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 কৃষ্ণ 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 কোট আহিছোঁ রে হে প্ৰভু হে প্ৰভু রাম রাম যেনে তেনে বসাবা রে ম্যান उसको बोलना चाहिए था खराब मतलब इतना खराब इसको खराब नहीं बोली से रास्ता है ही नहीं बोलते यार हाईवे साइवे बाद डी पे ने ये पूरा रास्ता रही जो अकमान से वो खतरनाक से हाँ बेरानो तुम्हें नमी हाँ मुंगोड़े कृष्ण प्रभु कृष्ण 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 सकुमिली स्वा दे सकुमिली स्वा यार कहाँ आ गए हम लोग डोंट गिव अप टुडे डोंट गिव अप आसे 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 इतिया रास्ता आसे इतिया कौन पकारे की बेचो चकुए इतिया कौन पकारे की चु ओ आसे जो अरे ही खुश के ही बोल गा से मिन को जानो तेल जे मु रेंज 90 किलोमीटर रखा है रिजर्व बोल रहा ओ थैंक गॉड यहाँ पे दो तीन घर दिखाई दे रहा अभी हाँ उसने बोला कि आगे 2 किलोमीटर ऐसा ही है पीछे जो सुर के रहे ना हाँ वैसा खराब नहीं है हाँ किसना 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 15 मिनट के बाद हाईवे निकल जाएंगे 15 मिनट हेलो राम कृष्णा दे थैंक यू ऐसा लग रहा है कि इसका गले लगा लो तो मुझे भाभी लाजे जब मोइम मिलिया बिल्कुल भाई পুই থাকিলেও কোনো বিষয় নেই রেপিড রেল 110% নট রিকমেন্ডেড চলিয়ে 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 বই 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 তা যাব লাগিব নহয় মই ফচি যাম নহ'লে ব্ৰাণ্ড তই ৰখি নিবি বই 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 মই ফচি যাম নহ'লে রবা
लागे लागे मथा मस्त है ए म गछि र शॉर्टकट लागे लाइफ पर हेकरे लाइफ पर न शॉर्टकट नाय बोली कहे जे हेतु काने कहे शॉर्टकट बिसेले रोकाय होय ये बड़े बड़े पेड़ों के बीच में जो रास्ता जा रहा है ये वाला फीलिंग मुझे मनाली में आया था। मनाली में ऐसे पेड़ बहुत सारे हैं। भगवान के हाथ जो कोई शोरे कृष्ण 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 वही पूरी मार दिया। एक रील है ना, हे भगवान इससे बुरा और क्या ही हो सकता है। कर रहा मैं अपना फीलिंग बता रहा हूँ, तुम तो सेवन समझ बैठे भाई। ओ माय गॉड, रिलेटेबल रिलेटेबल। 5:30 6:30 7 दो घंटा लगा, दो घंटे से हम लोग का हालत बहुत खराब हो गया। प्लीज आप रंगपुर होके आइए, दूसरा ये शॉर्टकट वाला मत पकड़िए। अगर सिक्किम से आप आसाम आ रहे हो तो रंगपुर होके आइए प्लीज। ঠিক খাই লওঁ না। অ মোৰ লাগিছে কিন্তু পৰ্ক নহ'লে মানে গাহৰি 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 আৰু লাই শাক দিবিনে ন। ঠিক আছে দিয়া খাই লওঁ ন। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिया तो अभी धीरे धीरे हम लोग निकलते रहते हैं। कृष्णा हम लोग का मैं भी कहीं पे रास्ता गलत हो गया। हम लोग गूगल मैप पे जो रास्ता देख रहे थे वो वाला रास्ता से हम लोग नहीं आई। ये हम लोग पहुंच गए लाभा, इस जगह को लाभा बोलते हैं, वेस्ट बंगाल में पड़ता ही है। अभी चल चाचे निकल चुके हैं, अभी तो बस लंच करने के लिए रुकेंगे। यहाँ से गुवाहाटी है 390 किलोमीटर्स, 8.5 आवर लगेगा, गूगल मैप पे दिखा रहा है। चलिए देखते हैं कितना दूर हम लोग कवर कर सकते हैं। चलिए लेट्स एंजॉय द राइड। फाइनली हम लोग बाबलू ढाबा से लंच करके निकल रहे। खाना इज प्रीटी गुड बट मसाला ज्यादा था। दो तीन नए सब्सक्राइबर भी मिल गए, थैंक यू। अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। गुवाहाटी हम लोग रात को आई थिंक 9-10 बजे पहुंच जाएंगे। सो लेट्स डू इट ब्रो, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं आसाम एंड वेस्ट बंगाल का बॉर्डर। तो यही ब्रिज आसाम एंड वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है, संकोच ब्रिज। फाइनली अहम पालोहि आओ दे।
आशीष जी ने सही बोला, पूरे जर्नी में इसी का कमी था। अभी वो भी मिल गया बारिश। अभी हम लोग है हो रहा है ब्रिज पे, ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा है। आफ्टर 16 आवर्स जर्नी के बाद फाइनली हम लोग गुवाहाटी सिटी एंटर कर चुके हैं। That's it for this video guys, hope आपको सिक्किम का ये सीरीज बहुत ही अच्छा लगा है। आई नो हम लोगों ने सिक्किम का हर एक पार्ट कवर नहीं किया है, बट कोई बात नहीं, फिर से हम लोग सिक्किम वापस जरूर जाएंगे, तब हम लोग सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो ना, तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में जाइए एंड बताइए ये जानी आपको मेरे साथ चल के कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, सबसे मोस्ट फेवरेट मोमेंट कौन सा लगा, प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, वो है बजट। सिक्किम जर्नी में हम लोग का खर्चा कितना हुआ। सिक्किम जर्नी का जो टोटल ड्यूरेशन था वो 10 डेज का था। इन 10 दिनों में ना हम लोगों ने 2700 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पे मेरा जो फ्यूल कॉस्ट पड़ा वो 8000 के आसपास हुआ, एंड फूड एकोमोडेशन अदर मिशिलियस का जो खर्चा था वो 8500 था। डेट मीन 16500 का खर्चा हुआ। ये बजट फिक्स है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे होटल पे रहना चाहते हो, कहाँ पे आप खाना चाहते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मेरे हिसाब से 16000 टू 20000 के बीच में ईस्ट एंड नॉर्थ सिक्किम का टोटल ट्रिप आपका हो जाना चाहिए। फिर भी अगर आप जा रहे हो ना, अपनी तरफ से एक बार रिसर्च करके जरूर जाइएगा, ठीक है। तो चलिए सिक्किम ट्रिप को अभी यहीं पे खत्म कर देते हैं। अगर अभी तक आपने कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर करिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। 80% लोग जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं ना, सो सब्सक्राइब नहीं किए, एक ही सेकंड लगता है, क्लिक डन, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं आपको एक नया वीडियो में, नया एक सीरीज में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस आउट।